गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरा नाम राशिद अली है और मेरे स्मार्ट टेक चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं भारत बेंज की 1617R का बस का व्यू करूंगा कि बस अंदर सॉरी ट्रक का व्यू करूंगा कि MDT मॉडल है, इसके अंदर कैसे कैबिन कैसा है। ये डे केबिन दिया है भारत बेंज ने और ये जो केबिन है फुल्ली एरोडाइनमिक केबिन है। इसका जो हेड लैम्प है उसका फोकस भी काफ़ी अच्छा है मतलब, और ये गाड़ी जो है एसी और नॉन एसी में दोनों में मार्केट में अवेलेबल है। और आपको मैं डिज़ाइन दिखा देता हूँ इसका। अभी हम जो बात करते हैं, सबसे पहले हम इसका जो बात करते हैं वो इंजन के स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। इंजन का जो स्पेसिफिकेशन है इसका वो 170 HP का इंजन है इसके अंदर। जो टॉर्क है 520 का टॉर्क है इसके अंदर, और जो गेयरबॉक्स है वो 6 स्पीड गेयरबॉक्स है। और डिफरेंशियल है फुल्ली फ्लोटिंग हाई पॉइंट डिफरेंशियल दिया है इसके अंदर। डीजल टैंक जो है 16 लीटर का है। ये एड ब्लू टैंक जो दिया है वो 27 लीटर का है। 27 लीटर फिलअप होता है इसमें, भरा जाता है 27 लीटर। और ये जो सस्पेंशन की अगर हम बात करें, सस्पेंशन जो है कमानी इसको बोलते हैं, वो सेमी एलिप्टिक सस्पेंशन है और सेम एज इट इज़ जैसे टाटा और अशोक लीलैंड भी देती है वैसी है सेम। और जो इसकी जो थिकनेस है चेसिस की, वो 7 mm की थिकनेस है चेसिस की मोटाई इसकी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एयर प्रेशर का जो टैंक है उसके अंदर 15 70 एयर प्रेशर का, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है प्रेशर एयर टैंक प्रेशर का। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ सारा। ये इस पावर स्टीयरिंग का रिजर्वर टैंक है, वो कोलेंट का टैंक है। और जो एयर प्रेशर है वो 15 लीटर के एयर प्रेशर टैंक है इसके अंदर लगे हुए। और ये जो एड ब्लू जो यूज़ होता है वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इंजन से पास होता है उससे जो अनबर्न फ्यूल होता है उससे पब्लिक को प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही थी, उसकी वजह से ये एड ब्लू सिस्टम इसमें यूज़ किया गया ताकि जो स्मोक की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। और इंजन का पावर भी इससे बड़ा है, 175 HP इंजन का पावर इसमें बड़ा है। अब हम देखते हैं कि इसका केबिन का व्यू करते हैं, थोड़ा सा केबिन को देखते हैं। केबिन देखिए इसका, काफ़ी मेरे दोस्तों की कमेंट्स थी कि अंदर से केबिन का व्यू करके दिखाइए। ये इसमें स्लीपर है, ये इसमें सीट काफ़ी कंफर्टेबल सीट हैं इसके अंदर। ये इसमें AC के स्विचेस दिए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें मिल जाती हैं, जैसे कि डीजल कितना एवरेज दिया गाड़ी ने वो भी हमें पता चल जाता है, और जितना लीटर डीजल है इतने लीटर में कितनी गाड़ी चल सकती है वो भी पता चल जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें इसको, अभी वन टाइम हमने इसको क्लिक किया, 46 किलोमीटर है अभी, 25 डिग्री टेम्परेचर है। ये जो ग्राफ है ये एड ब्लू का है, ये जो ग्राफ है वो डीजल का है। बाकी सेम मेरा जो लेटेस्ट जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें मैंने ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आप चाहें तो मेरा वीडियो देख सकते हैं स्मार्ट टेक कार चैनल पर डाल के। ये इसमें एक रीड स्विचेस है, थोड़ा सा इसके रीड स्विच के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो ये रीड स्विच है, जब आप गाड़ी ड्राइविंग करेंगे 40 की जब स्पीड में गाड़ी होगी तब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, एग्जॉस्ट ब्रेक ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएंगे। जैसे आप पहाड़ के एरिया में चलना चाहते हैं तो इस स्विच को ऑफ कर दीजिए और इस स्विच को ऑन आगे की तरफ पुश कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब गाड़ी हिल एरिया से डाउन उतरेगी, नीचे की ओर आएगी, क्लच एक्सीलेटर से पैर हटा लीजिए, ऑटोमेटिकली इंजन एग्जॉस्ट ब्रेक लगेंगे। इससे बेनिफिट्स होता है फ्यूल बचना, इंजन के अंदर जो फ्यूल जाता होता है वो कट हो जाता है, कम हो जाता है, बहुत माइनर फ्यूल इंजन के अंदर जाता है। इससे फ्यूल का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है अगर इसको आप यूज़ करोगे तो। ये 1617R का मेरा वीडियो था जो मैंने कम्प्लीटली आपको दिखा दिया है, और मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।